अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक इकोलिंक का रिसीवर है। इसमें फॉल्ट यह है कि जब भी हम इसको ऑन करते हैं और डिश की जो कि तार है वो लगाते हैं तो ये सिग्नल नहीं लेकर आता, ये दोनों सिग्नल नहीं लेकर आता, ना तो LMB के और ना कोई। और तो आज हमने इसका ये फॉल्ट निकालना है। ये हमारा जो रिसीवर किस वजह से ये सिग्नल नहीं लेकर आ रहा, क्या इसको पावर सप्लाई की तरफ से मसला है जिसकी वजह से ये सिग्नल नहीं लेकर आ रहा, क्या इसको मेन कार्ड की तरफ से मसला है जिसकी वजह से ये हमारा रिसीवर सिग्नल नहीं लेकर आ रहा। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमी टीवी। जिन दोस्तों ने अभी तक अमी टीवी 9 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो अब हम रिसीवर को ओपन करते हैं जी। रिसीवर को मैंने ओपन कर दिया जी, और जब भी आपने रिसीवर को चेक करना है तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए आप किस चीज़ का फॉल्ट निकाल रहे हैं और इस जो आपके सामने चीज़ है उसका किस एरिए में फॉल्ट है। तो सबसे पहले तो आपने ये इस चीज़ का नोट करना होता है कि फॉल्ट आपका किस एरिए में है। अगर वो आप नोट कर लेंगे तो आपको मसला निकालना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसके पावर सप्लाई के वोल्टेज चेक करते हैं कि क्या हमारा जो कि रिसीवर है इसको पावर सप्लाई की तरफ से सही वोल्टेज मिल रहे हैं। अगर हमारा पावर सप्लाई की तरफ से इसको सही वोल्टेज नहीं मिलते तो रिसीवर हमने ऑन ही नहीं किया। तो ये इसके 5 वोल्टेज और इसका तो ये इसके 15 वोल्टेज और उसके बाद ये इसके 22 वोल्टेज। तो ये इसकी वोल्टेज पावर सप्लाई हमारी के बिल्कुल ठीक है। और अब हम इसके LMB आउट के ऊपर इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे LMB आउट पिन के ऊपर ये इसके वोल्टेज ही नहीं आ रहे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। तो अब हमने चेक करना ये है कि ये हमारे कहाँ से ब्रेक हैं। और इसमें जो कि हमारा सिग्नल एरिया जो है जो इसने LMB सिग्नल शो कराने वो हमारा एरिया ये वाला है। ठीक है जी, तो अब हमने इस एरिया को चेक करना और इस एरिया से हमने फॉल्ट निकालना है। ये किस वोल्टेज आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं और यहाँ तक भी इसके 15.9-16 वोल्टेज आ रहे हैं। और ये हमारे आगे क्यों नहीं जा रहे तो वो भी चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारे वोल्टेज नहीं आ रहे। और अब हम इसको नीचे से चेक करते हैं क्या इसको, तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे इस जो कि पिन पॉइंट है उसके नीचे ही वोल्टेज जा रहे हैं और ऊपर इससे पिन के साथ अटैच नहीं हो रहा। तो अब हम इस कार्ड को ओपन करते हैं और उसके बाद ये पिन को चेक करते हैं कि ये किस की वजह से ये आपस में शॉर्ट नहीं हो रही, क्योंकि इसको वोल्टेज नहीं मिल रहा।
तो ये आप इसके कार्ड की कंडीशन देख सकते हैं जी। ये पहले कोई ये पिन हमारी लगाता रहा इस कार्ड की, तो उसने ये सही तरीके कार से लगाई ही नहीं। तो अब मैं ये पेन जो कि इसकी ये पिन है ये निकाल कर दोबारा से लगा कर आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते इसकी पिन मैंने उतार दी है, और इसमें इसका ये आप पॉइंट देख सकते हैं जी। इसका थोड़ा सा ये बचा हुआ है पॉइंट जो कि हमारा जिसके साथ आप हम अटैच करके लगा सकते हैं, जबकि ये दोनों तरफ से साफ़ हो चुका है इसका पॉइंट, क्योंकि तो इसके अंदर भी इसका पॉइंट होता है तो वो ख़त्म हो चुका है। तो अब ये हमारे पास थोड़ी सी जगह है, तो अब हमने जो लंबी पेन लगानी है तो इस एरिया को सोल्ड करके उसके साथ हम इसको शार्ट कर देंगे। तो अब मैं ये आपको लगा कर दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं लंबी पेन मैंने लगा दिया जी, ठीक है जी। तो अब मैं कार्ड फिटिंग करके आपको ये चला कर दिखा देता हूँ। कार्ड की मैंने फिटिंग कर दी, और अब हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अब हमारा जो कि एलएमबी पिन आउट के ऊपर इसके वोल्टेज आ रहे हैं इनके ऊपर, ठीक है जी। तो ये अब हमारा वोल्ट आउट कर रहा है। तो अब मैं आपको ये इसके ऊपर चैनल चला चेक करा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं अब इसने चैनल लेकर आने शुरू कर दिए। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।